आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। यहाँ ऑफिस के सारे बदमों को मेरा गुहार। मैं किसी भी राजनीतिक दल में पहले नहीं थी, मेरा एक ही दल है और वो मानव था जिसकी सेवा में करती आई थी और करती भी रहूंगी। लेकिन आंसू के जो विचार है उससे मैं काफ़ी प्रभावित थी और मेरी विचारधारा और सुदेश जी की विचारधारा मिलती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब हम एक विचारधारा के हैं तो एक परिवार में शामिल हो जाए, तो इस वजह से आज मैं शामिल हो रही हूँ और आगे अच्छा कार्य करने के लिए कोशिश करूँगी कि दोनों मिलकर के कुछ अच्छा बड़ा परिवर्तन दिखा पाऊँ। झारखंड की जनता सुरेश बाबू को, आशू पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। मैं जब जन जन तक गया दूसरे पार्टियों के माध्यम से तो उनकी ही आवाज़ आ रही थी, तो मैं उचित समझा इन पार्टियों के माध्यम से समाज को एक अच्छे नेतृत्व का। मैं आज अपने पार्टी मुख्यालय में अपने पत्रकार मित्रों का इस मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस मिलन समारोह में हमारे पुराने साथी, हमारे विधानसभा के साथी और एक संघर्षशील नेता आदरणीय सुफल मरांडी जी, जो महेशपुर के पूर्व विधायक हैं, आज पार्टी में आ रहे हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। मैं स्टेफनी जी के साथ कुछ समय हमारा वैचारिक विचारों का आदान प्रदान हुआ। मैं दूर से सुनता था कि वर्षों से इस क्षेत्र में खासकर हमारे संथाल प्रज्ञा के जामा दुमका आसपास के क्षेत्रों में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ट्रेडिशनली पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने, आम जन की भावनाओं को उभारने मौका देने के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं। शायद राजनीतिक और वैधानिक रूप से आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि अच्छे लोग, सच्चे लोग सामने आए। स्टेफी जी के इस परिचय ने पार्टी के नज़दीक लाया और आज स्टेफी जी हमारी पार्टी के और दल के शामिल हो रहे हैं। उनके सारे सहयोगियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अवधेश जी का, जो प्रदेश महासचिव जेडीयू गोंडा से है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए, ये संथाल का परिवेश में पार्टी के विचारों का जो फैलाव हो रहा है, एक शक्ति के रूप में भविष्य में एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में उभरेगी और लंबे समय तक जो अपने अवस्था में एक बड़ा जनजीवन विकास की बाढ़ जो रहा है, निश्चित रूप से राजनीतिक नेतृत्व के जो अवसर आएंगे उन अवसर का हम मजबूती से जनता के बीच अवसर में जाएंगे और जनादेश स्वीकार करते हुए संथाल प्रज्ञा की इस धरती को उसके मानक पर स्थापित करने की तैयारी करेंगे। जो भी हिंदू कर्मों की धरती है, चांद भैरव की धरती है, उसको जिस मानक पर स्थापित होना चाहिए उन मानकों को पूरा करने का हमारा दल, मेरी पार्टी और मेरे सभी साथी पूरा प्रयास करेंगे। सबको अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। अपने विचार को सीमित रखे थे, वो विचार खुल के सामने आ गए और लोगों ने पार्टी को अपना चॉइस का सेंटर बनाया और आज लोग जुड़ रहे हैं। कई सामाजिक लोग जुड़ रहे हैं, कई राजनीति में बड़े अहदा रखने वाले लोग जुड़ रहे हैं, कई पूर्व विधायक हैं। इस तरह से पार्टी का जो ये फैलाव है ये बढ़ रहा है, ये एक विश्वास है और हमारी पूरी कोशिश होगी इन भावनाओं का और इस विश्वास का सम्मान करें और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाएँ, संथाल को आगे बढ़ाएँ।
नमस्कार, आजाद सिपाही में स्वागत है। आसू ने जामा विधानसभा क्षेत्र से एक नया युवा चेहरा उतारा है, स्टेफी टेरेसा मुर्मू। ये बहुत जुझारू और युवा नेता हैं वहाँ से और नया चेहरा है, तो कैसा रहेगा ये जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं इनकी। पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या कैसे होगा? माहौल तो चुनावी है जी, और मैंने बताया भी और फिर से बता दे रही हूँ कि मेरा समाज सेवा, मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं थी, समाज सेवा या सेवी हूँ और इसके ज़रिए लोगों के बीच काम करती आ रही हूँ 3.5 सालों से, और लोगों के सुख दुख में भागीदार रही हूँ, और जनता के बीच से ही ये पुकार आई कि आपको राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सेवा भाव से राजनीति में आए और जब जीत जाए तो कम से कम विकास के लिए कार्य करे, कम से कम वो कार्य करे जो करना चाहिए उन लोगों को, जैसे हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली पानी, जिसके लिए हम संघर्ष करते रह रहे हैं। और जामा भी ऐसे ही एक क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, और मेरा जो इस पार्टी में आना या चुनाव की तरफ रुख करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि समाज सेवा और राजनीति को एक में जुड़ करके परिवर्तन लाने के लिए आना ही पड़ेगा, और इसका उदाहरण मैं हूँ। तो इसकी कितनी संभावना है कि आप वहाँ से चुनाव जीतेंगी? मैं लोगों के दिलों में तो हूँ और दिल जीत चुकी हूँ, और जो दिल जीत जाता वो चुनाव भी जीत जाता, मुझे बस इतना कहना।